सब्सक्राइब करें गोसाईगंवा समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 97098-94194। मैं वरुण बाबुल गोसाईगंवा समाचार से, गोसाईगंवा समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख। नवगछिया में टला बड़ा हादसा, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग, मची अफरा तफरी। नवगछिया बाजार के मुसहरी टोला में गुरुवार की सुबह खाना बनाने के क्रम में रोहित जायसवाल के घर में गैस सिलेंडर में आग लग गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर में आग लगने के बाद आग घर में भी पकड़ लिया। आग लगने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग लगे सिलेंडर को सावधानी पूर्वक घर से बाहर फेंका गया और घरों में लगी आग को काबू कर लिया गया। सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल भी पहुंच गई, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल ने सिलेंडर एवं घर में लगी आग को बुझाया। आग लगने की सूचना पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन, मुकेश राणा, भाजयुमो अध्यक्ष अजय कुशवाहा मौके पर पहुंचे। आग बुझाने में दीपक भगत, दीपक शर्मा, शिवम कुमार, रामजी गुप्ता, मुन्ना मुकेश राय सहित कई अन्य युवाओं का अहम योगदान रहा। नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड अंतर्गत सिंहकुंड में नहीं रुक रहा है कटाव, किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बना पक्का मकान। नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड के सिंहकुंड में भीषण कटाव का तांडव जारी है। कटाव थम नहीं रहा है। हाल ही के दिनों में हो रहे भीषण कटाव में अब तक 15 लोगों के घर कोसी में समा चुके हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को रुक रुक कर कई जगहों पर कटाव हुआ, जिसमें निर्मल सिंह, ज्योति सिंह और विभास प्रसाद सिंह का ईट खपरेल का घर ध्वस्त होकर कोसी नदी में समा गया। वहीं लक्ष्मण शाह का पक्का घर, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाया गया है, वह कटाव के मुहाने पर है। किसी भी समय उसका आवास ध्वस्त होकर कोसी नदी में समा जाएगा। वहीं बताते चले कि सिंहकुंड कटाव पीड़ितों का कहना है कि हम लोगों को प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन के सिवा फूटी कौड़ी नसीब नहीं हुआ है। बारिश में हम सबों का बुरा हाल है। वहीं खरीक अंचल स्तर से कटाव पीड़ित को ना तो पॉलिथीन सीट दिया गया है, ना ही मोमबत्ती। राहत नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा है। वहीं सिंहकुंड के कटाव पीड़ित शंभू राय, दिलीप राय, बोकू शर्मा, अरुण शर्मा, रिंकू शर्मा, चंद्रशेखर सिंह, सुरेश मेहता, विजय प्रसाद सिंह का कहना है कि हम लोगों का घर और खेतीबाड़ी की जमीन कटकर कोसी में समा गया। हम लोग भूमिहीन, बेबस और लाचार हो गए हैं। पास में पैसे नहीं है, सब लोग कोसी की लीला देख रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। प्रशासनिक स्तर से आश्वासन मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बारिश में हम लोगों का बुरा हाल है। अब तक किसी तरह की राहत पैकेज की भी घोषणा नहीं की गई है। वहीं संपर्क करने पर खरीक अंचलाधिकारी विनय शंकर पंडा ने कहा कि सिंहकुंड में बचाव कार्य किया जा रहा है, पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत बड़ी मकंदपुर के मुकेश हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास। 11 फरवरी 2016 को हुई थी घटना। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकंदपुर निवासी मुकेश यादव हत्याकांड और उसके तीन परिजनों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाते हुए दो आरोपियों मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव और रूपेश यादव उर्फ लेलवा यादव को आजीवन कारावास की सजा दी है। भारतीय दंड विधान संहित की धाराओं में दोषी पाते हुए 302 149 में आजीवन कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह आजीवन कारावास की सजा भोगनी होगी। धारा 307 149 में 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। धारा 148 में 3 वर्ष कारावास और 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष कारावास और 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सभी सजा साथ साथ चलने की बात कही है। जानकारी मिली है कि इसी मामले में आरोपी रहे नरेश पोद्दार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
और वहीं 5 आरोपियों लालू यादव, दिनेश कुमार, विवेक कुमार, राजेश कुमार, ब्रजेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय में अभी भी ट्रायल चल रहा है। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष ने से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। मामले में सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक परमानंद साह कर रहे हैं। नवगछिया एसडीओ ने मुरली पंचायत में चल रही योजनाओं का किया जांच। मुरली पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस पाया गया बंद। वीडियो को कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण करने का दिया निर्देश। नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने गुरुवार को रंगरा प्रखंड के मुरली पंचायत में चल रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने मुरली पंचायत में पंचायत सरकार भवन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय तक पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस चालू नहीं हुआ था। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आरटीपीएस केंद्र कभी भी समय पर नहीं खुलता है। पंचायत सरकार भवन के बाहरी दीवार पर भी किसी भी आरटीपीएस एवं सेवाओं से संबंधित कोई लेखन नहीं पाया गया, न ही किसी प्रकार का फ्लेक्सी टंगा हुआ था। एसडीओ ने रंगरा वीडियो को इस संबंध में संबंधित कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने वीडियो को पंचायत सरकार भवन में लेखन कार्य कराने का भी निर्देश दिया। इससे पूर्व उन्होंने पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता गणेश हरिजन एवं पायल कुमारी के दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गणेश हरिजन एवं पायल कुमारी की दुकान में संबंधित कागजात, भंडारण पंजी, वितरण पंजी विधिवत नहीं पाया गया। उपस्थित ग्रामीण एवं उपभोक्ताओं द्वारा दोनों जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध शिकायत की गई एवं वितरण को संतोषजनक नहीं बताया गया। निरीक्षण में दोनों के दुकान का वितरण पंजी में भी अनियमितता पाई गई। एसडीओ ने कहा कि निरीक्षण में दोनों विक्रेताओं के दुकान में अनियमितता पाई गई है। इस संबंध में दोनों विक्रेता से स्पष्टीकरण किया गया है। इसके बाद एसडीओ ने पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया। विद्यालय में पदस्थापित कुल 4 शिक्षकों में एक शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई। एक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में प्रतिनियुक्त है। हालांकि अनुपस्थित पाई गई शिक्षिका कंचन कुमारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र विद्यालय में छोड़ा गया था, लेकिन उसमें तिथि अंकित नहीं थे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 3 शिक्षक में से 2 शिक्षक ही विद्यालय आते हैं, एक शिक्षक हमेशा गायब रहते हैं। विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थी के द्वारा बताया गया कि उन लोगों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति इत्यादि वित्तीय वर्ष 2017-18 से नहीं मिला है। परिसर में ही स्थित मध्य विद्यालय मुरली का भी निरीक्षण एसडीओ द्वारा किया गया। विद्यालय में कुल 12 शिक्षक में 11 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि एक शिक्षक अवकाश पर थी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विद्यालय समय पर नहीं खुलता है। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है। प्रधानाध्यापक के अनुरोध पर सभी कमरों का निरीक्षण किया गया, जो बेहद जर्जर स्थिति में पाया गया। विद्यालय के प्रांगण में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नया भवन निर्मित है। एसडीओ ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि नए भवन में विद्यालय को शिफ्ट कराएं। नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ी आशीष ने किया जिले का नाम रोशन। 9 साल की उम्र से खेलना शुरू किया बॉल बैडमिंटन। नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के खिलाड़ी बिहपुर जमालपुर निवासी सुबोध रजक के पुत्र आशीष कुमार उर्फ सन्नी ने अपने मेहनत के बल पर नौगछिया टीम को लगातार कई वर्ष से कई राज्य प्रतियोगिता में टीम को विजेता बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं बताते चलें कि बचपन से ही आशीष को नौगछिया बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव सह राज्य प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल का सानिध्य प्राप्त हुआ। जिलाध्यक्ष सह जिला परिषद राजीव रंजन उर्फ घंटू सिंह ने बताया कि आशीष बचपन से ही काफी मेहनती है। वो अपनी मेहनत से टीम को काफी ऊपर तक पहुंचाया है। वहीं श्री सिंह ने बताया कि आशीष 2 भाई और 1 बहन है। आशीष बताते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलने में माता पिता का काफी सहयोग रहता है। वहीं बताते चले कि आशीष ने 63वीं अंडर 14 स्कूली राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 7-11 नवंबर 2017 दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसमें बिहार को 3रा स्थान मिला। 64वीं अंडर 17 स्कूली राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 7-11 जनवरी 2019 तक नेल्लोर आंध्र प्रदेश में हुआ। वहीं 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 23-27 जनवरी 2019 केरल, 2018 में खेल सम्मान समारोह पटना में बिहार सरकार द्वारा सम्मानित हुआ। प्रोत्साहन राशि 11,500 रुपए आशीष को मिला था।
नवगछिया प्रखंड के डोलबज्जा पंचायत में जीविका समूह की सीएम पर गबन का आरोप। नवगछिया प्रखंड के डोलबज्जा पंचायत के जीविका समूह की सदस्य महिलाओं ने अपने समूह के सीएम रूबी कुमारी पर विभिन्न समूहों का लोन की लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाई है। मामले को लेकर सदस्यों द्वारा डोलबज्जा थाने में आवेदन दिया गया है। रंजना देवी, चलसी कुमारी, चांदनी देवी, शोभा देवी, सोना देवी, मुन्नी देवी, डीजी देवी इत्यादि महिला सदस्यों ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। समूह की महिलाओं ने कहा कि वे लोग इस संबंध में एसपी एवं नवगछिया थाना गुहार लगाने आए हैं। वहीं सदस्यों ने बताया कि लोन का आधा अधूरा राशि समूह में वितरण कर शेष अपने पास सीएम ने रख लिया है। मांग करने पर गाली गलौज करने लगती है। रूबी 14 समूह का प्रधान है। सभी समूह के सदस्यों के साथ इसी प्रकार का कार्य किया गया है। इस संबंध में सीएम से संपर्क करने पर फोन रिसीव नहीं हुआ। नवगछिया की सुप्रसिद्ध फर्नीचर दुकान माँ अम्बे फर्नीचर सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने एवं तेतरी दुर्गा स्थान के सामने, जहां उपलब्ध है एक से बढ़कर एक पलंग, दीवान, टेबल, कुर्सी सहित फर्नीचर के सभी सामान, साथ ही किस्तों पर भी फर्नीचर उपलब्ध हैं। संपर्क करें गौतम चौधरी, माँ अम्बे फर्नीचर, नवगछिया। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739557। नारायणपुर में नेहरू युवा केंद्र भागलपुर द्वारा विद्यालय में चलाया गया स्वच्छता अभियान। नेहरू युवा केंद्र भागलपुर द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शिवधारी सुखदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजमा गनोल में टीम लीडर मधुर मिलन नायक के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में छात्र व छात्रा के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। नवगछिया के गायक मिथुन महुआ के अंगिका कावर गीतों का एल्बम का लोकार्पण। नवगछिया के युवा गायक मिथुन महुआ के अंगिका कावर गीत का संगीत एवं वीडियो एल्बम गुरुवार को लोकार्पण किया गया। एल्बम में पूनम पांडे और अदिति ने अपनी आवाज दी है। एल्बम के निर्माता मिराज हैं, संगीत अरविंद का है तो वीडियो फिल्म के निर्देशन और गीतकार सूरज कुमार निर्मल है। एल्बम लाइक्स फिल्म और म्यूजिक के बैनर तले तैयार किया गया है। गायक मिथुन महुआ ने कहा कि एल्बम के दोनों गानों को अलताऊ ट्रैक से हटकर तैयार किया गया है। गाना युवा वर्ग को पसंद आए इसके लिए खास ख्याल रखा गया है। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी सड़क दुर्घटना में महिला घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी दिलीप शर्मा की पत्नी चंदा देवी सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। घायल महिला का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र में करंट लगने से महिला सहित दो गंभीर रेफर। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सिमरिया टोला तीन टेंगा निवासी धर्मेंद्र कुमार एवं मीना देवी करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा आनंद फानन में दोनों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति को गंभीर देखते हुए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। संपर्क करें नर्चर क्लासेस क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट थाना रोड नवगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व केंद्र का निरीक्षण जरूर करें, ताकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान हो। संपर्क करें अमित कुमार, संचालक नर्चर क्लासेस एवं क्रेडल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट थाना रोड नवगछिया। उत्तर बिहार का गौरव कौशल केमिस्ट्री क्लासेस 11वीं एवं 12वीं के लिए केमिस्ट्री विषय के लिए नवगछिया का सुप्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट। 11वीं एवं 12वीं के लिए नवगछिया का एक सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट, यहाँ अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में होती है पढ़ाई। इंस्टीट्यूट डेट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। संपर्क करें कौशल सर 82-98-59-20-36। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर
स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में नहीं आए डीपीओ निरीक्षण में। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर गांव स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में पूर्व निर्धारित निरीक्षण की तिथि तय होने के बावजूद डीपीओ योजना एवं लेखा निरीक्षण करने गुरुवार को विद्यालय नहीं पहुंचे। वहीं इस संबंध में विद्यालय के अन्य कर्मी से जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। नवगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र के बुरवा गांव में आपसी मारपीट में वृद्ध महिला घायल। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के बुरवा निवासी वृद्ध महिला सुनीता देवी 60 वर्ष मारपीट में घायल हो गई। घायल वृद्ध महिला का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया।